जय हिंद साथियों, मैं गोपी चरण यादव आपका जीवा स्टडी पर स्वागत करता हूँ। आप लोग मुझे पहचान रहे होंगे। आज हम एसएससी जीडी स्पेशल बात करने वाले हैं। एग्जाम देखिए, आज से 24 दिन लगभग बचा है। आज उत्कर्ष क्लासेस में एक इवेंट हो रहा है जहाँ के मैं जा रहा हूँ, और उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट अपना दे रहे होंगे। देखिए, इस एग्जाम में जितना भी आप ज़्यादा प्रैक्टिस सेट देंगे उतना ही आप में निखार आएगा। एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं चाहे कोई भी कंपटीशन हो एक्स वाई जेड, जब तक आप उसको अच्छे से नहीं निगाह देंगे, कोई और निगाह दे करके उसको ले जाएगा। तो आप लोगों की निगाह बनाए रखना, एग्जाम तक बने रहना बहुत ही ज़रूरी होगा। मैं उत्कर्ष क्लासेस के इवेंट में जा सकता हूँ, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वहाँ से पढ़िए, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, उत्कर्ष क्लासेस पढ़ सकते हैं, अंकित भाटी सर पढ़ सकते हैं, चक्तु प्रकाशन की बुक दे सकते हैं, आपको जो भी स्टडी लगे बेस्ट लगे दे सकते हैं। बस इस बार सिलेक्शन लेना है किसी तरीके से, बस ये आप वो ठान लेंगे तो आप कहीं से भी पढ़ेंगे, घर से भी पढ़ करके प्रैक्टिस दे देंगे तो हो जाएगा। मैं आज निरपेक्ष होकर बोल रहा हूँ, किसी बुक का नहीं प्रमोशन कर रहा हूँ। आप लोग बार बार ये सोचते हैं सर किसी बुक का प्रमोशन कर रहे हैं, मैं भी आपकी तरह एक भी स्टूडेंट हूँ, आप लोगों का एग्जाम है जैसे, मैं भी वो एग्जाम देने जाऊँगा और उसके बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। देखिए, लोग एसएससी जीडी के बारे में ख्वाब तो बहुत ही लगा कर बैठे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, कितने टैलेंट लड़के तैयारी कर रहे हैं इस बार भर्ती में। पिछली बार वाले में तो ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन इसमें एज में 3 साल का छूट देकर के काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं जो आ गए हैं। आप कंपटीशन डेली बढ़ती जा रही है। जिस दिन आप ख्वाब देखने में लगे होंगे बैठ करके कि मेरा एसएससी जीडी में हो जाएगा, उसी समय कोई दूसरा लड़का मेहनत करता है और आप उसके सामने एक दिन मिलेंगे तो रौंद कर आपको चला जाएगा। मेरे कहने का मतलब यही है, आप लोग कहीं भी रहिए, घर पर रहिए, गाँव पर रहिए, शहर में रहिए, देहात में रहिए, काम कीजिए, बस आप पढ़िए, आप पढ़िए। अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं, द बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद में चक्षु प्रकाशन की है, वहाँ से दे सकते हैं। वो नहीं समझ में आ रहा, उत्कर्ष क्लासेस में आज जहाँ मैं जा रहा हूँ, उत्कर्ष क्लासेस प्रयागराज, आज 13 तारीख है, मेरा 3 बजे से स्लॉट बुक है, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ, इवेंट है, और वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी आप लोग बैच परचेस कर सकते हैं। देखिए, जिसको पढ़ना रहेगा ना वो कहीं से भी पढ़ सकता है, ठीक है, और जिसको नहीं पढ़ना रहेगा वो कहेगा कि मैं गाँव से हूँ, शहर से हूँ, मैं नहीं पढ़ता। आपको यदि तैयारी करनी है अच्छे से तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग समझ ही रहे होंगे मेरी भावनाओं को, और आप लोग कहीं से भी पढ़िए, बस पढ़िए। 45,000 भर्ती है, पिछली बार तो 25,000 भर्ती थी, तब पर भी बहुत ज़्यादा लड़के सेलेक्ट हुए थे, मैं भी सेलेक्ट हुआ था पिछली बार। कुछ वजह है कि जो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, आप लोग समझ रहे होंगे, मैं 2015 से एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं भर्ती में हूँ, उससे जान रहा हूँ क्या आती है, कैसी कठिनाइयाँ आती हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार कम पेपर टफ बनने की संभावनाएं हैं, पिछली बार तो काफ़ी मैथ रीजनिंग लेंदी आ गया था, टाइमिंग भी थी उसकी, पिछली बार देखेंगे तो उसका पेपर का लेवल थोड़ा कम था, माइनस मार्किंग भी नहीं थी। 2015 की भी हम एग्जाम की बात करेंगे तो वो भी लेंदी क्वेश्चन नहीं था, उसमें तो एक ही शिफ्ट में होता था, मुझे बढ़िया से याद है 2015 का एग्जाम जो मैंने दिया था 4 अक्टूबर को था, तो उस टाइम 2 शिफ्ट में एग्जाम होते थे, पुराने पैटर्न पर चलता था, वो ऑफलाइन होता था। 2018 वाला तो 19 में एग्जाम हुआ, खैर ऑनलाइन था, लेकिन 2015 वाला, उससे पहले 2013 वाले जो सारे एग्जाम थे ऑफलाइन होते थे, उस टाइम के एग्जाम का कुछ अलग ही माहौल था। आज तो एग्जाम का कुछ और ही नज़ारा है। साल भर 2018-19-20 तक काफ़ी लड़के अनकंफर्टेबल महसूस करते थे कि मैं कंप्यूटर से एग्जाम नहीं दिया हूँ, कैसे दूंगा। काफ़ी एसएससी जीडी में जो तैयारी करने वाले लोग हैं गांव से ही आते हैं, गरीब घर के ही बच्चे रहते हैं, 60% गरीब घर के ही बच्चे रहते हैं, कोई बड़े घर के लोग एसएससी की तैयारी नहीं करते। मैं एसएससी जीडी की ही नहीं बात कर रहा हूँ, एससीएचएसएल सीजीएल किसी भी भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। यदि कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो लगभग 60-50% लड़के गरीब घर के ही हैं, कहीं ना कहीं खेती किसानी से जुड़े ही हैं, खासतौर से एसएससी जीडी में तो कहिए ही मत, 60 का यहाँ पर 80% लेंगे तब वो चलेगा, 20% वही हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनकी तैयारी ठीक ठाक है तो हो जाएगा, बाकी उनका मन नहीं है एसएससी जीडी में जाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं, आप घर से दरवाजे से कहीं से भी पढ़िए। मैं थोड़ा बोलने में आपको पीछे हट सकता हूँ, लेकिन मेरी भावनाओं को आप लोग समझिए, आप कहीं से भी पढ़िए, बस पढ़िए। इस बार सलेक्शन 45,000 में आप नाम करवा सकते हैं। बाकी नक्सल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कोई इफेक्ट आप अपने दिमाग में बैठाइए रहिए कि मैं नक्सल से हूँ तो मुझे छूट मिलेगा, मैं बॉर्डर से हूँ तो मुझे छूट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मिलता है पर एग्जाम देने के बाद। अभी इसकी बात करने से कोई फायदा नहीं है, एग्जाम हो जाए फिर कुछ कम जाती है कटाप। इस बार तो यूपी से नक्सल भी हट गया है, आप लोग नक्सल का जब यूपी डाले होंगे, जो जो नक्सल में आती है वो ऑटोमेटिक ले लेता है एग्जाम, कि नहीं है कि नहीं, यदि रहेगा तो आपको यशन होकर करने के लिए देगा, यदि नहीं रहेगा तो ऑप्शन ही नहीं देगा आपको, ठीक है। आप लोग मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे, नक्सल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से कोई लेन देन नहीं है, आप लोग बस तैयारी कीजिए, एग्जाम हो जाए उसके बाद में बाकायदा बात होगी कि नक्सल क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, कितनी कहाँ की कटाव जाती है, कैसे कैसे जाती है। अभी सिर्फ एग्जाम का है, बस एग्जाम के बारे में सोचिए, एग्जाम कैसा अच्छा जाए, बस एग्जाम अच्छा चला जाए बाकी सब हो जाएगा। तो आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से दीजिए, चाहे आप किसी भी प्रकाशन से दीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी पढ़िए, बस प्रैक्टिस सेट पर फोकस कीजिए।
इस बार प्रैक्टिस सेट का बहुत ही ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा। प्रैक्टिस सेट जो नहीं देगा, ये मान लीजिए कि एग्जाम कुछ नहीं पढ़ा, पढ़िए मत, बल्कि प्रैक्टिस सेट दीजिए तो माना जाएगा कि पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस सेट टाइम मैनेजमेंट करना इस बार बहुत ही मायने रखेगा। एक घंटे का टाइमिंग है, इस बार लेंथी उतना क्वेश्चन नहीं बनाएगा। खैर उम्मीद है कि मैथ में जो पुराने पैटर्न पर क्वेश्चन आते थे वैसा हो सकता है देखने को मिल जाए, ताकि एसएससी जीडी, देखिए एसएससी आपसे कुछ लाइनिंग कट गई थी ताकि टेक्निकल इशू आ गया था। एसएससी जीडी देखिए जो पुराने एसएससी में पूछे गए प्रश्न होते हैं वहीं से क्वेश्चन बनाती है, और एसएससी सीएचएसएल इसी जगह से क्वेश्चन उसको उठा करके रिमूव करती है, और काफी सिंपल क्वेश्चन आएगा। इस बार लेंथी क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है। बाकी आप मैथ, रीजनिंग, ए और हिंदी तीन सब्जेक्ट को आप ज्यादा पकड़ बनाए रहिए। यदि 15-15 नंबर भी आ गया तीन से, 15 नंबर हिंदी में तो आपको ज्यादा ही करना होगा, ताकि 15 को बैलेंस कपट हो जाएगा। हिंदी 18, रीजनिंग 18, और उसके बाद में आपका मैथ 15, 18 दुना के 36, फिर 15 इसको कर लीजिएगा, फिर जीएस को 10 क्वेश्चन कर लेंगे, 25 आपका 61-62 पर आएगा तो हो जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिस सेट देते रहिए, अंकित भाटी सर का है, बहुत द बेस्ट बुक है। चक्षु प्रकाशन की भी आती है, बस उसको भी आप प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं, वहां से भी दे सकते हैं, यहां से भी दे सकते हैं। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, नहीं हाँ इसी का खरीदिए, मैं तो किसी बुक का इसमें प्रमोशन कर रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, आप लोग उसमें झूठ कोई नहीं बोल सकता हूँ। मैं बोलता है कि नहीं हाँ इसको ले सकते हैं, बेस्ट तो ले सकते थे, लेकिन मेरा मकसद है प्रैक्टिस सेट आप लोग देते रहिए, कहीं से भी दीजिए प्रैक्टिस सेट दीजिए। मार्केट में बहुत सारे बुक मिले और सारे प्रकाशन किए, कहीं से भी दीजिए, अरिहंत प्रकाशन से भी दीजिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट दीजिए। और जा रहा हूँ अभी मैं उत्कर्ष क्लासेस में, और आपसे मिलता हूँ वहाँ के आने के बाद में, क्या अपडेट है, कैसे है एसएससी जीडी में, और क्या बेहतर हम कर सकते हैं, आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं, टाइम को कैसे बचा सकते हैं, सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अभी टाइमिंग हम जान रहे हैं, आपको यदि टाइमिंग अभी कम पड़ रही है कोई बात नहीं है, टाइमिंग को कम किया जाएगा और मिलकर कम किया जाएगा, आप लोग परेशान ना होइए। अभी मेरी भी टाइमिंग 10 मिनट का ज्यादा लग जा रहा है, अभी टाइमिंग का क्वेश्चन बच जा रहा है, मैथ का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अभी बच जा रहे हैं, आप लोग टाइमिंग का कोई चिंता नहीं लीजिए। 5 क्वेश्चन यदि मैथ के नहीं हो पा रहे हैं तब पर भी कोई बात नहीं, 15 हो जा रहे हैं तो बनेगा, 15 में 12-13 भी चलेगा, अभी भी 25 दिन का टाइमिंग है, आप लोग अभी विशेष देर ध्यान न दीजिए। हाँ कोशिश रहे कि नहीं मैथ में और क्वेश्चन कर पाए, 18 यदि क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जा रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन गलत ठीक है चलेगा, लेकिन 15 से नीचे ना होने पाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।